हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. निशा सोल्ड गुड्स टू आशा वर्थ 34,000. तो निशा हमारी ड्रॉअर हो जाएगी और आशा जो है वो ड्रॉई हो जाएगी. आशा पेड 10,000 इमीडिएटली, मतलब एक्चुअली 24,000 क्रेडिट सेल हो गया और 10,000 कैश सेल्स हो गया, राइट. एंड एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द बैलेंस फॉर 2 मंथ्स. निशा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1 मंथ एट 15% पर एनम. एक महीने के बाद डिस्काउंट किया है. द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड आशा रिक्वेस्ट निशा टू एक्सेप्ट 4,000 एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 11% पर एनम फॉर 3 मंथ्स. निशा अग्रीड एंड फॉर द बैलेंस आशा एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 3 मंथ्स. आशा बिकेम इनसॉल्वेंट and only 40% could be recovered from her estate. Prepare journal of Nisha. एक और बार ये बीच का पैराग्राफ पढ़ता हूँ. द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड आशा रिक्वेस्टेड निशा टू एक्सेप्ट 4,000, मतलब अभी 4,000 दे रही है, एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट. तो इंटरेस्ट भी अभी मिल रहा है और पार्ट पेमेंट 4,000 अभी मिल रहा है. तो जो नया बिल होगा वो 20,000 रुपीज का होगा, क्योंकि 24,000 में से 4,000 कैश पे कर रहे हैं, ठीक है. चलिए तो सोल्यूशन देखते हैं. हमें पूछा गया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशा. तो पहला हम एंट्री हमने किया कैश अकाउंट डेबिट 10,000 जो कैश सेल्स है, आशाज अकाउंट डेबिट 24,000 और टू सेल्स. आप इसको दो एंट्री में डिवाइड भी कर सकते हो, एक कैश टू सेल्स कर सकते हो, दूसरा आशा टू सेल्स कर सकते हो. सेकेंड एंट्री हमने किया बिल रिसीवेबल टू आशा फॉर द बिल दैट आशा एक्सेप्टेड. 24,000 का ये बिल है 2 महीने के लिए. अब ये बिल इन्होंने डिस्काउंट किया, 1 महीने बाद डिस्काउंट किया, मतलब डिस्काउंट का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा जो मैंने नीचे शो किया है. डिस्काउंट इज 24,000 इंटू 15% इंटू 1/12. अगर आप ये करोगे तो 300 रुपीज़ मिलेगा. तो 24,000 बिल का अमाउंट है, उसमें से आप 300 अगर माइनस कर देते हैं तो कैश हमें कितना मिलेगा, 23,700. तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 23,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 और टू बिल रिसीवेबल 24,000. अब एक चीज़ नोट करें, ये बिल डिसऑनर हो रहा है, राइट. तो ऐसे होता है कि जब हम बैंक से बिल डिस्काउंट करते हैं तो बैंक तभी लिखवा के लेता है किससे, निशा से, कि अगर आशा ने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए तो हम आपके अकाउंट से उतने पैसे आपको बिना पूछे निकाल लेंगे. तो अब बिल डिसऑनर हो गया, डेट्स तो हमें दिया नहीं है, तो हमने सीरियल नंबर लिखा. अब ड्यू डेट पे निशा विल टेल आशा टू गिव द मनी, तो आशा को हम डेबिट करेंगे, वो डेटर हो गई और निशा विल हैव टू पे मनी टू द बैंक, है ना. तो बैंक को हमने पैसे दे दिए, तो 24,000 आशा से लेना है और बैंक को 24,000 देना है. अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहां पे किया है. देखो अमाउंट रिसीवेबल है 24,000, उसमें से कैश अभी 4,000 पे कर रही है, तो बैलेंस स्टिल अनपेड कितना हुआ, 20,000. 20,000 का जो नया बिल है वो 3 महीने के बाद का है, तो इंटरेस्ट 11% से हमें कैलकुलेट करना है. 20,000 इंटू 11% इंटू 3/12, ऐसे करेंगे तो 550 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आशा टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये निशा के लिए इनकम है तो आशा से ये इंटरेस्ट लेना है, इसीलिए आशा को हमने डेबिट किया 550 रुपीज से और इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट किया 550 रुपीज से. अब हमें अभी क्या मिल रहा है, एक कंबाइंड एंट्री हम पास कर रहे हैं. टोटल हमें जो आशा से कितने पैसे लेने हैं, 24,000 लेने हैं, 4,000 उसने अभी दे दिए, ठीक है, और 4,000 के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया. तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 4,550 से. बिल नया कितने का बनेगा, 20,000 का. तो बिल रिसीवेबल हो गया 20,000 और टू आशा को हमने क्रेडिट किया 24,550 से. अगर आप चाहें तो दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, एक होगा कैश टू आशा और दूसरा होगा बीआर टू आशा. अब ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हो रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगा, आशा डेबिट हो जाएगी और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इंसॉल्वेंसी पे हमें कितना पैसा मिला, तो इधर लास्ट लाइन पढ़ते हैं. आशा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट. तो हमें 20,000 रुपये लेने थे, तो 20 का 40% यानी 8,000 रुपया
उतना पैसा हमें मिला, तो कैश बैंक हमने डेबिट किया 8,000। अब बाकी का 60% जो नहीं मिला उसको हमें बैड डेट बोलना पड़ेगा, तो बैड डेट हो गया 12,000 और टू आशा हो गया 20,000। तो ये ट्रांजैक्शन हमने किए इन द बुक्स ऑफ निशा फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, थैंक यू।